आप लोग, मैं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हो घूमता इंसान आपका अपना चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मसाई विलेज है, मसाई ट्रेडिशनल विलेज, तो उसको विजिट करने वाले हैं। तो आप लोगों में दिखाने वाला हूँ कि मसाई लोग किस तरीके से रहते हैं, आज भी वो पुराने रीति रिवाजों से रहते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं उन लोगों के विलेज को और आप लोगों को भी एक्सप्लोर कराता हूँ अपने साथ में कि वो लोगों का ट्रेडिशन किस तरीके से है और वो लोग किस तरीके से रहते हैं। तो अभी ये जो मेरे साथ में ये यहाँ पे लोकल मसाई लोग हैं, तो अपन इनका जो पूरा एरिया उसको विज़िट करने वाले हैं। एक्चुअली एक जुट में बहुत सारे मसाई लोग रहते हैं, एक तरीके से ये मान लो मतलब छोटे से एरिए के अंदर कम से कम ये लोग 250-300 मसाई लोग रहते हैं। और तो भाई अब मैं आप लोगों को इनका ट्रेडिशनल जो भी है वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ। सबसे पहले इनका एक वेलकम करने का एक तरीका है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये वेलकम। कोई अगर कोई नया बंदा तो उसका वेलकम किस तरीके से करते हैं, तो ये देखो इस तरीके से वेलकम करते हैं ये लोग। भाई ये एक इनका एक तरीका है, इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा ऊंची जंप करता है दैट मीन्स उसको गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो यहाँ पे ये इनका कहने का मतलब है। जो जितनी ऊंची जंप करेगा और उसको गर्लफ्रेंड मिलेगी, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका ट्रेडिशन है। अब आप लोगों को मैं अंदर चल के इनके जो ट्रेडिशन है वो सारा दिखाता हूँ, इनके घर वगैरह दिखाता हूँ, ये लोग किस तरीके से रहते हैं वो सारी। ये मुझे बोल रहा है इनमें से कोई एक मसाई वाइफ चूज करो। Oh, you want to take two? No problem. I will take both of them. Okay. The first one? भाई ये बोल रहा है कि इनमें से कोई एक वाइफ चूज करो, तो सो बोल रहा है कि तीनों मसाई इज पॉलीगामी। हां पॉलीगामी है। मार मेन वाइफ मी नाउ फाइव वाइफ। यू हैव फाइव वाइफ? या माय फादर 10। योर फादर हैड 10 वाइफ्स? ओ भाई भाई इनकी पांच वाइफ है, इनके फादर की 10 वाइफ्स हैं। तो भैया आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब जो मसाई लोग हैं वो कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं, लाइक अगर आप डेली एक औरत से शादी करना चाहते हो तो आप डेली एक औरत से शादी कर सकते हो, लाइक एवरी नाइट वन वूमेन एवरी नाइट, लाइक इस तरीके से आप लोग एवरी नाइट एक औरत के साथ जा सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको शादी करनी पड़ेगी एक ही औरत से ही, तो यहाँ पे मसाई लोग कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं, कितनी भी अनगिनत औरतों से शादी कर सकते हैं। तो यार ये इनका एक अलग ही ट्रेडिशन है एक्चुअली। तो भाई मैं यहाँ पे ये जो मसाई लोग हैं इन कुछ क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि इनसे कि कौन कितने लोगों से ये लोग शादी कर सकते हैं। ओके एक्चुअली मसाई पीपल इट डिपेंड ऑन यू, इफ यू वांट 10 वाइफ यू कैन मैरी 10 वाइफ, इफ यू मैरी 10 वुमेन यू कैन build 10 houses. Okay. So each night you sleep one house. Oh. Then tomorrow another house. Oh. And Maasai ladies no jealous.
So they can't marry. You can't fight because you love for each other. Okay. And also you have to put equal. So every night one house. Yeah. Every night one house. Yeah. So, yeah. Every night one house. Every night one woman. Yeah. Oh. Yeah. And also the ladies build the houses. Men do fence the village. You have the place you keep cow there, and you have the place you keep the sheep, mm-hmm. and also the ladies build the house. Uh-huh. Men fence the village. Okay. Yeah. So like women's not allowed to marry many men. No. So only men's allowed to marry many wives. Oh, but women's not allowed. Okay. भाई आपने सुना यहाँ पे औरतों को इजाज़त नहीं है वो कितने भी आदमियों से शादी कर सके, लेकिन यहाँ पे आदमी कितनी भी औरतों से शादी कर सकता है और एवरी नाइट एवरी वूमेन लाइक ये एक नाइट एक औरत के साथ सोते हैं। तो ये लोग, मैं इनके जो ट्रेडिशनल घर हैं वो भी आप लोगों से विजिट करवाता हूँ, तो देखते हैं इनका ट्रेडिशनल हाउस। सो ये यहाँ पे This is a new house, new lady. Yeah. Ah, okay. Yeah. Give her a room inside. Okay. We have a bed for Papa Mama. Uh-huh. Bed for Papa Mama. Papa Mama. What is Papa Mama? My wife and me. Oh, your wife and you. Okay, okay, got it. So this is a master bedroom. Master bedroom. भाई ये पापा मामा करने के लिए यहाँ पे ये. This is for the children here. Mm-hmm. Then this is for the guests. And this is for guests. Yeah, and also kitchen. Okay. तो भाई ये देख लो इस तरीके से यहाँ पे लड़की put the grass. In on this you are going to put the grass. No rain come inside. Okay. Yeah. तो ये लोग लकड़ियों का यूज करके इनको टाइट कर देते हैं ताकि अब ये टूट ना जाए, और इसके ऊपर ये लोग ग्रास वगैरह डालेंगे ताकि वाटर इनसाइड ना आ पाए। तो ये किसी बंदे ने और शादी किया तो उसकी एक वाइफ के लिए ये घर बनाया गया। Here for the sheep. Okay, sheep. Keep sheep here. So, ये जो पार्ट है ये इनके पास जो शीप्स वगैरह हैं उनको यहाँ पे डालने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि जो मसाई लोग हैं उनके पास 100-200 तो गायें रहती है और शीप्स रहती है, 100-200 शीप्स वगैरह रहती है। तो ये उन्होंने छोटा सा अपनी शीप के लिए यहाँ पे घर बना रखा है, और ये इनका घर है सामने और ये शीप वगैरह के लिए है। लोग ये और बता देता हूँ कि जो इस तरीके से लोग ड्रेस डालते हैं रेड कलर की, तो उसका मतलब ये है कि जो एनिमीज रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, वो इस कलर से डरते हैं, इसलिए ये लोग इस तरीके की ड्रेस को डालते हैं। तो ये इनका ट्रेडिशनल ड्रेस है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को कुछ हाउस दिखाता हूँ जो ऑलरेडी बिल्ड हैं। तो ये इनका ट्रेडिशनल हाउस है। तो baby cow here. Oh, baby cow. Because if you put baby cow inside, because separately and the mother, because the ladies have to milk the cow. तो ये देख लो, ये जो सामने ये दिख रहा है ये छोटा सा, ये मतलब जो काओ का बेबी वगैरह रहता है और छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बछड़े रहते हैं, उनको इसमें डालते हैं। देख लो कितने कमरे बना रखे, एक तो ये बना रखा है और एक छोटा सा कमरा ये बना रखा है। ये Here, ये थोड़ी लाइट नहीं, मैं अपने फोन का लाइट करता हूँ। और यहाँ से थोड़ा सा अंदर गैलरी में जाते हैं तो यहाँ पे ये स्टोरेज रूम है, यहाँ पे इन्होंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ। We get a guest, you have a cow skin. Cow skin. This is a cow skin here. Oh, this one is cow skin. Cow skin. You put together in this and then I can sleep. Okay, so यहाँ पे गेस्ट वगैरह यहाँ पे सोते। देख लो इतने से, मतलब मुझे हैरानी, इतने से घर के अंदर इन्होंने इतनी सारी चीजें बना रखी है, मतलब यार खतरनाक है। छोटा सा घर है, बाहर से दिखाऊं तो आपको, बाहर से देखो ये इतना सा 8x8 का घर है, छोटा सा घर है, इसके अंदर इन्होंने इतने सारे कमरे बना रखे हैं, खतरनाक है यार। ये लोग किस तरीके से यहाँ पे लाइफ गुजार रहे हैं, और ऐसा है कि एक एक आदमी के पास यहाँ पे 8-8, 9-9 बच्चे हैं, और वो सारे इतने से घर के अंदर रह रहे हैं, और इनकी वाइफ भी है। जैसे अगर इनके पास 2 या 3 या 10 वाइफ हैं तो अलग अलग वाइफ के लिए एक घर ये लोग बनाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ के लोग किस तरीके से बिना माचिस के आग जलाते हैं। तो ये इनका एक ट्रेडिशनल तरीका मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे ये लोग बिना माचिस के आग जलाते हैं। Wow. Then you have to add more wood.
गो। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये अचानक से मसाई विलेज से यहाँ कैसे आ गया कैंपिंग साइट पे। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि यार मेरा जो गोप्रो है उसकी बैटरी पूरी डेड हो गई थी और मेरे पास दूसरी बैटरी भी चार्ज नहीं थी, मुझे लगा वो चार्ज है। तो इस वजह से अब मैं, और जो मेरा फ़ोन है वो इतना ख़तरनाक है कि भाई वो कह ही नहीं सकता उसके बारे में तो कुछ। तो बस अब यहाँ पे कैंपिंग साइट पे आ गया। तो जो मेरा होस्ट है वो बोला कि आज कुछ इंडियन खाना बना, तो मैं आज इंडियन खाना ही बना रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से कैंपिंग साइट निकल रही है। ये देखो, ये चांदा मामा निकल रहे हैं और उधर की साइड सूरज डूबा है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से देखो क्या मस्त नज़ारा आ रहा है। बस यही कुछ था यार। और आप लोगों को होप सो विलेज पसंद आया होगा। विलेज बहुत ब्यूटीफुल था यार। लोगों का एक मसाई लोगों का एक जो कल्चर है वो देखने को मिला और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता लगी हैं।